मैं हूँ सुनील कुमार, मैं बिहार में हूँ और बिहार के दरभंगा जिला में हूँ और दरभंगा जिला के गंगा लोकसभा क्षेत्र के ललित यादव के ऑफिस में हूँ और उनके एक पार्टी के लीडर हैं जिनसे मैं पूछूंगा इनका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो स्वागत है सर आपका, क्या नाम है सर आपका? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैफ आलम हूँ और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ राजद का और मैं युवा राजद का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और मैं इस विश्वविद्यालय का करीब 30-35 साल से छात्र राजनीति से शुरुआत हुई हमारी और हम छात्र नेता रहे हैं करीब शकलुर रहमान मूवमेंट 1988 से। और मैंने भी आज से 25 साल पहले एक बार लोकसभा का चुनाव निर्दलीय दरभंगा लोकसभा से लड़ा था और मुझे अच्छा खासा वोट भी आया था। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री ललित कुमार यादव छात्र जीवन से ही हमारे आंदोलनों में हमारे साथ रहे। 95 में पहली बार विधायक हुए, तब से आज तक जिला की राजनीति में मैं हमेशा से ललित यादव जी के साथ रहा हूँ और इस चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ मैं इनके साथ हूँ और जो लोगों का प्यार और जन समर्थन मिल रहा है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो वर्क है, काम है, उसके बिना पे लोग हमारे लीडर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे लीडर की भी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी है, अपनी पॉपुलरिटी है जो लगातार 6 बार तक से हमारे बगल के विधानसभा क्षेत्र दरभंगा ग्रामीण से और मणिगाछी से विधायक रहे हैं और जनता दरभंगा की जनता से जुड़े रहे हैं और एक बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्तित्व है इस मिथिलांचल की राजनीति में हमारे प्रत्याशी श्री ललित कुमार यादव जी, जो हमारे अवश्य हम भी लोकसभा सदस्य बनेंगे और जिसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों के बीच जा रहे हैं और मैसेज ये बता रहे हैं कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी, हमारे तेजस्वी यादव जी किस तरह जनता के कामों को कर रहे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसानों बेरोजगार हो, दलितों को इज्जत दिलाने सम्मान दिलाने की बात हो, उनकी प्राण उनकी हम हर तरह से उनकी हिफाजत करने की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, जैसा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी करते रहे, तेजस्वी यादव जी करते रहे, उसके बिना पे हम वोट मांग रहे हैं। इसके बरक्स इसके उल्टी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है ये सिर्फ उद्योगपतियों की पूंजीपतियों की का भला करने वाले लोग हैं। करीब इस देश पे आज कर्जा जो 2014 में करीब 50 से 52 लाख करोड़ का था वो बढ़ के 2 लाख हो गया, 4 गुना कर्जा इस देश पे बढ़ा है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसी को हुआ है तो 3000 करोड़ का अदानी आज 12 लाख करोड़ का अदानी हो गया। उसको हमारे अब अंबानी बंधुओं की प्रॉपर्टी इस तरह बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है और ये धर्म का लबादा ओढ़कर ये सनातनी खुद को बोल के जो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं, जो पूंजीपतियों के और भी समाज दुश्मन अनासुर के जो दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको इस बार हमें सिर्फ दरभंगा नहीं पूरे देश में इनको हरवाना है और एक अच्छी सरकार जो जनता की हितैषी हो, जो गरीबों की हितैषी हो, जो दलितों की हितैषी हो और पिछड़ों की हितैषी हो, ऐसी सरकार को हम चुनने का काम करेंगे और जिसके लिए हम लोग ललित यादव जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये कहते हैं सर कि जो आपकी पार्टी जब लीड करेगी तो आपको उसमें सबसे खास दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारा गौरा गौराम एरिया में जाएंगे तो वहाँ कोसी कटाव का समस्या है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं और कुछ लोग को जो उस कोसी और बांध के बीच में है तो उनकी ज़िंदगी 3-4 महीने तक नारकीय स्थिति हो जाती है। हमारा कम्युनिकेशन भी कमज़ोर है गांव-गांव से जुड़ने का, हमारे हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है दरभंगा DMCH उसको और सुदृढ़ करेंगे। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी थे तो हम लोगों ने बहुत हद तक जो दवा की कमी थी, जो ऑपरेशन थिएटर की कमी थी, जो डॉक्टरों की कमी थी वो सबको हमने पूरा किया, नर्सेस की कमी थी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी, उस कमियों को हमने DMCH में पूरा करने का काम किया। और एक एम्स के लिए एक जगह जो ढूंढ रही थी केंद्र की सरकार बार बार, करीब कई लोगों ने तो कह दिया एम्स में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कह दिया एम्स दरभंगा में चालू हो गया, वहाँ इलाज भी चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने सोभन के पास जब हम सरकार में थे शामिल, हमारे स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते सोभन में जो ज़मीन दी उसके भड़ाई के लिए, उसके जो
उसके सड़क के निर्माण के लिए, एम्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 300-350 करोड़ दे रही है और हमारे तेजस्वी जी ने बिहार सरकार से 650 करोड़ रुपया सिर्फ उसकी मिट्टी भराई और उसके कम्युनिकेशन के लिए जो एम्स बनेगा नया उसके लिए उन्होंने दिया। और जो एम्स भी बनकर तैयार होगा दरभंगा को एक बड़ी सौगात मिलेगी, लेकिन वो सौगात कहीं ना कहीं उसके हमने हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने उसके लिए काम किया था और 650 करोड़ जितना केंद्र सरकार दे रही है उसका लगभग दोगुना हमने एम्स निर्माण के लिए अलॉटमेंट करवाया है। और एम्स के बनने से एम्स वहाँ उस गाँव के आसपास की आबादी में अभी कुछ विकास होगा और भी लोग पूरे मिथिलांचल के लिए उससे लाभान्वित हो सकेंगे, ये भी हमारे एजेंडा में। तो हम कह रहे हैं कि पार्टी के जो लीडर हैं वो जो कुछ बताए, धन्यवाद।